हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए टॉप 20 मिक्स्ड क्वेश्चन का पार्ट 7 लेकर आया हूँ, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉपर इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपका एक नंबर तो बढ़ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी, क्योंकि मैंने टॉप क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कंसिडर किए हैं। ओके, और अगर आपने बाकी के 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो गाइस प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें भी देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और 20-20 क्वेश्चन करके पार्ट 7 तक आपके 140 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? और 140 क्वेश्चन में से आपके 102 नंबर तो पक्के बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा और मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक? नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम है वीनस, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। और अच्छी बात मैं ये बताता हूँ कि मैंने एक प्लैनेट्स का ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है शानदार वाला, वो भी ट्रिक्स की हेल्प से दोस्तों, सारा का सारा मैंने ट्रिक्स की हेल्प से बताया है, जिसमें वीनस है ना, मार्स, अर्थ, मरकरी, सैटर्न, यूरेनस, सारी की सारी ट्रिक्स की हेल्प से मैंने सारे प्लैनेट्स को डिस्क्राइब किया है। ओके, तो वो मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में और या फिर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मज़ा आएगा सीख के, ठीक है? अब देखते हैं आगे। देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल। कौन से प्लैनेट पे पानी अवेलेबल है? सीधी सीधी बात क्वेश्चन ये है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कौन से प्लैनेट पे वाटर है। तो दोस्तों, अपना एकमात्र अर्थ जो है उस पर वाटर अवेलेबल है, इसलिए अपना यहाँ जीवन संभव है। ओके, अगर बाकी प्लैनेट्स में अगर पानी वानी हो जाता ना, तो क्या बात थी। इसलिए तो लोग यहाँ वहाँ ग्रह मतलब सैटेलाइट भेज भेज के पता कर रहे हैं कि भैया मार्स पर पानी है कि नहीं, है ना, इस तरीके से, क्योंकि अर्थ पर पानी है इसलिए जीवन संभव है। जिस दिन मार्स पर मतलब क्लियर हो गया कि हाँ भैया खूब सारा पानी है, तो उस दिन वहाँ भी जीवन संभव हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, उसका नाम है जुपिटर, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जुपिटर, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है? अब बात आई कि भैया सोलर सिस्टम में प्लैनेट कितने हैं, तो ध्यान से देखिए, एक ट्रिक बता रहा हूँ, सबकी आंखें स्क्रीन पर और कान के पर्दे खुले, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, ठीक? ट्रिक है, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, और जैक्सन वाला सन, SUN, ठीक है? मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन सन, तो M से बना भैया मरकरी, V से बना वीनस, और E से बना अर्थ, M से बना मार्स, J से बना जुपिटर, S से बना सैटर्न, U से बना यूरेनस, और N से बना नेपट्यून। ओके, तो भैया ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये अपना सूरज है, ठीक है? तो ये सीक्वेंस में बढ़ते हुए क्रम में ये सारे के सारे प्लैनेट्स के नाम हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अपने जो जुपिटर है ना भैया, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है यहाँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, जिसमें बोलते हैं कि अर्थ के समान कौन सा एक प्लैनेट है, जितना बड़ा अर्थ है उतना ही बड़ा एक प्लैनेट है, उसका नाम है वीनस। इसीलिए वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे बताऊँगा, ठीक? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बड़ी मेहनत से बताऊँ दोस्तों, है ना? अब देखो, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अभी तो पढ़ा था आपने, एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस है, लेकिन भैया हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस ही है, है ना? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको और अगर प्रॉपर समझना है, तो मैंने बताया है कि प्लैनेट्स वाला मैंने पार्ट बना दिया है शानदार वीडियो ट्रिक्स की हेल्प से, तो आप जाइए, वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर सब क्लियर हो जाएंगे, सारी की सारी ट्रिक्स की हेल्प से मैंने पूरा बताया है कि हॉटेस्ट कौन सा है, ब्राइटेस्ट कौन सा है, इवनिंग स्टार कौन सा है, मॉर्निंग स्टार कौन सा है, सारा मैंने ट्रिक्स से बताया दोस्तों। तो ट्रस्ट मी, आप मेरी बात पर यकीन करिए और ज़रूर वो पार्ट देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना, ज़रूर, ठीक है? अब देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द प्लैनेट एमिटिंग ग्रीन लाइट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ग्रीन लाइट को एमिट करता है? तो दोस्तों, उसका नाम है यूरेनस, है ना? मैंने कैसे याद रखा था इसको, देखिए, ग्रीन लाइट एमिट कर रहा है मतलब ग्रीन ग्रीन प्लैनेट है, तो यूरेनस के अंदर वर्ड आ रैन, और मैं सुबह रैन करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए कहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ ग्रीन गार्डन में, तो मैंने ऐसे याद किया था लिंक बना के। ओके, तो मुझे याद हो गया था, मैंने आपको इसलिए बता दिया, शायद आपको भी याद हो जाए, है ना, इसलिए ये वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, ठीक? तो मैंने इस तरीके से याद किया है, और ऐसे ही मैंने वो प्लैनेट्स वाले पार्ट में सारी की सारी ट्रिक्स की हेल्प से मैंने वीडियो पढ़ाया है, तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो, नेम द प्लैनेट विच इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार। तो मैंने बताया ये वीनस है, मॉर्निंग स्टार भी वीनस को बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी वीनस को ही बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वीनस को बोलते हैं, और हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस को बोलते हैं,
इस चीज़ को आप सारे का सारा याद रखिएगा। और अगर आपको अभी भी याद नहीं हो रहा तो मैं फिर से कहूँगा कि प्लैनेट्स वाला पार्ट देख लीजिए, आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि भैया कौन सा याद रखूँ और कौन सा याद नहीं रखूँ, क्योंकि मैंने ट्रिक्स के हेल्प से बता दिया है। ओके, तो देखिएगा वो पार्ट, इतना फोर्स कर दिया दोस्तों, अब तो देखना बनता है आपको, कुछ बात होगी इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। ओके, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज रेड प्लैनेट? दोस्तों रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मार्स को। मार्स को हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह। लोग बोलते हैं ना आपका मंगल भारी है और आपका ये भारी है, आपका वो भारी है, तो यही है भैया वो मंगल, ठीक है, मार्स। और मार्स से एक बात याद आई मुझे दोस्तों, कभी टाइम मिले ना आपको तो एक मूवी है मार्शियन, MARTIAN, मार्शियन, हॉलीवुड की शानदार मूवी है, 2015 या 16 में आई थी। अगर आपने इसको देख लिया ना तो आप फ़ैन हो जाएंगे, आप कहेंगे कि दुनिया में एक मूवी मैंने देखी है, मतलब आपकी मतलब फेवरेट मूवी में से एक मूवी ये मार्शियन रहेगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, ज़रूर टाइम मिलेगा तो माइंड फ्रेश करने के लिए ज़रूर देखिएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखो, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ ट्विन ऑफ द अर्थ? मैंने बोला था ना अर्थ की जुड़ा हुआ बहन किसको बोलते हैं? दोस्तों बोलते हैं वीनस को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ का सेम साइज़ है और वीनस का भी बिल्कुल सेम साइज़ है आसपास का। ओके, मतलब इतने सेम सेम बड़े हुए हैं, बड़े हैं ये तो उतने ही सेम 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 साइज से हैं ये। ओके, जितना बड़ा अर्थ है उतना ही बड़ा वीनस है। अब देखो, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू विच प्रोसेस? भैया अर्थ पे जो सोलर एनर्जी आती है वो किस तरीके से आती है? वो रेडिएशन के रूप में आती है। ओके, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द लाइट ऑफ द सन रीचेस द अर्थ इन अबाउट, मतलब जो सन का लाइट है वो अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? तो वो लगता है 8 मिनट। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लगता है, तो ध्यान रखिएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज, जो सूर्य की गर्मी कितनी है, सूर्य पर टेम्परेचर कितना है दोस्तों? वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो आप, 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है? आपका जो घर में जो पानी आप उबालते हो ना, है ना, चाय गर्म चाय दूध बना मतलब चाय बनाने के लिए जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। तो यहाँ सूरज पर 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब अनबिलीवेबल, अगर यहाँ कोई पहुँच गया ना तो जल कर राख हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया वो, ठीक है। अब देखो, विच प्लैनेट हैज़ नो मून? कौन से प्लैनेट के पास कोई अपना मून नहीं है? तो वो है दोस्तों मरकरी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो 13th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन, जो एस्टेरॉयड होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के, हैं, और किस किस के बीच में? तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पक्का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, तो भैया उनका नाम था गैलीलियो, मिल्की वे के बारे में गैलीलियो ने बताया था, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट मरकरी, मतलब मरकरी के कितने सैटेलाइट्स हैं? तो 0 सैटेलाइट, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। अब देखिए 16th नंबर का, वॉट इज़ कॉल्ड पल्सर्स इन आवर सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम में एक टर्म होती है पल्सर बोलते हैं जिसको, पल्सर्स का मतलब होता है जो स्टार्स बहुत तेज यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ वहाँ मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं पल्सर्स, बड़ी स्पीड में घूमते हैं वो वाले स्टार, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि है जुपिटर, मैंने बता दिया था आपको। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवनिंग स्टार, मैंने बताया था कि वीनस को ही इवनिंग स्टार बोलते हैं, वीनस को ही मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, वीनस को ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, वीनस को ही हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। ओके, अब देखो आगे 19th क्वेश्चन है, नेम द प्लैनेट रिवॉल्विंग ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन सा प्लैनेट रिवॉल्व होता है? तो दोस्तों वो होता है वीनस। ओके, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना, जो सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है दोस्तों उसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मैंने प्लैनेट्स का जो पार्ट बनाया है उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने सारा का सारा पार्ट ट्रिक की हेल्प से बताया आपको, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस, मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज़ करें और प्रॉपर पक्का याद कर लें, क्योंकि रिविजन इज़ द की। और अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने क्लोज फ्रेंड को शेयर करें, और मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा हो, आपको वैल्यूबल कंटेंट मिला हो, तो लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें, और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा नेक्स्ट बार, अगली बार,
तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप उसको प्रॉपर देख पाएंगे और एग्ज़ाम निकालने की कंडीशन आपकी आ जाएगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, है ना, ईमानदारी से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।